Morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. इसके बाद हमें ये फिगर था 6.13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल जो पढ़ लिया था. इसके बाद ये सब को स्टार्ट करना था ना गोल्ड से. ध्यान दीजिएगा, आवाज क्लियर है बेटा? यस मैम. यस मैम. यस मैम. इसको ध्यान दीजिए. इसमें दिया गया है ओल्डेस्ट में दो ना, इसमें आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एक एक कंटिन्यू ना चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लेन ना. स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लेन ये हमने पढ़ लिया था. इसके नीचे जो फिगर है 6.13 के नीचे से तो यहाँ से स्टार्ट करना है पैराग्राफ से. यहाँ से आप ध्यान देंगे इसमें बेटा गोल्डस्मिथ ब्लोस द आउटर शो ऑफ ए कैंडल विद ए मेटलिक ग्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड. है ना, आपने कभी देखा हो किसी गोल्डस्मिथ को इसमें का काम करते हैं ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं. वो इसी प्लेन में जो आप कैंडल प्लेट देख रहे थे इसी प्लेन में जो आउटर पोस्ट लेयर आउटर लोग जो ग्रो होता है उसको मूव जो भीतर तक खाई देता है जिसको हॉटर जोन भी कहते हैं ना. जो सबसे गर्म होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है इसी जोन का यूज करते हैं. क्या करते हैं मेटेलिक ग्लो पाइप होता है अपने पास, उससे क्या करते हैं एयर ग्लो करते हैं और क्या करते हैं वो जो फ्लेम है वो पाइप से है ना क्या करते हैं क्या करके कहाँ पड़ती है गोल्ड पड़ती है और वो मेल्ट हो जाता है. ध्यान दीजिएगा गोल्ड स्मिथ ग्लो द आउटर मोस्ट शोन ऑफ योर फ्लेम विद ए मेटलिक ग्लो पाइप. जैसा कि दिखाया गया है इस तरह का उनके पास पाइप होता है जैसे फिगर में दिखाया गया है 6.14 ना. इस तरह से वो पाइप से एयर फ्लो करते हैं और जिससे वो फोकस करना चाहते हैं तो दैट होल किया अपने उससे वो डालेंगे ना जो मूव हो जाए वो बात करोगे और उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है ओके. तो व्हाई डू ना मैं व्हाई डू दे यूज द आफ्टर मूव जो ऑफ द थिंग. आप जानते हैं जो आफ्टर मूव जो है वो ब्लू कलर का होता है और आपने देखा है ना ये कैसा होता है दैट इज द हॉटेस्ट जोन. ये कैसा होता है ये आपका हॉटेस्ट जोन है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल होता है तो इसीलिए इसका यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ द गोल्ड. गोल्ड को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है ना हॉटेस्ट ट्यूब टाइप. तो हाँ पहले हम ये पढ़ लेते हैं जैसे आपका 6.6 व्हाट इज द ट्यूब. ट्यूब क्या है
और इसे फ्यूल क्या है वहां भी जान चुके हैं रिकॉल द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर मेनली वुड ना आप ही जानते ही हैं यदि देखें डोमेस्टिक मैंने घर की बात कर रही है इंडस्ट्रियल पर्पस को लेके तो वो हीट का जो सोर्स है ना मेन सोर्स है दैट इज वुड का यूज करते हैं चारकोल का पेट्रोल केरोसिन इन सारी चीजों से हमको क्या मिलती है हीट होती है ना तो ये सारे क्या है दीज आर फ्यूल ना दीज सब्सटेंस आर कार्ड इन जीवी फॉर्म यूज करते हैं दे गिव वो ए गुड फ्यूल इज वन व्हिच इज रीडली अवेलेबल है ना जो कि हमको रीडली इजीली अवेलेबल हो जाए वो फ्यूल किसे कहा जाएगा जो वो इजीली अवेलेबल हो जाए और इट इज चीप वो बहुत ज्यादा महंगा ना हो सस्ता हो इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट ना और वो इजीली बर्न हो इसकी वजह से होम एंड हीट प्रोवाइड करे मॉडरेट रेट पे यानी मीडियम टेंपरेचर पे बहुत ज्यादा फ्लेम में मेहनत ना करनी पड़े बहुत ज्यादा बार आपको है ना एफर्ट ना करना पड़े बहुत ज्यादा हीट ना प्रोवाइड करनी पड़े यानी मॉडरेट रेट पे मीडियम टेंपरेचर में वो इजीली बर्न हो कर वो हीट प्रोवाइड करे एनर्जी प्रोवाइड करे इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट it does not leave behind any undesirable substance or kaisa ho unko friendly hai na cheap ho hai na easily burn kare maximum amount of heat provide kare aur uske sath sath jo wo burn ho raha hai uske sath kisi bhi tarah ka undesirable substance yani to carbon dioxide unwanted particles na कार्बन मोनोऑक्साइड के सारे जो कि एयर को एयर पोल्यूशन करते हैं ये सारी चीजें इन्हें को बोले गया है अनडिजायरेबल सब्सटेंस है ना यानी वो इको फ्रेंडली भी हो तब आपको पता करना चाहिए देयर इज प्रोबेबली नो फूड दैट कुड बी कंसीडर्ड एज ए आइडियल फूड है ना कोई भी फूड ऐसा नहीं है जिसको हम आइडियल फूड कह सके वी शुड लुक फॉर ए फूड व्हिच इज फुलफिल्स most of the requirements for a particular group na kya hai we should look humko aisa kabhi bhi dekhna chahiye jo ki hum sare requirements ko pura kare hai na ki to fuels differ in their cost the fuels hai na differ in their cost some fuels are cheaper than others to jo hai jo sabse hote hain cheap hote hain make a list of fuels and get to you hai na so then as solid liquid and gas aap unka ek list bana sakte hain ya aap karna hai tax department mein to eco friendly fuel ki baat kar rahe hain to mai aap ek video cng ka de sakta hu hai na wo aise hain jo ki jo undesirable substance hai na wo produce nahi karte hain aur ye eco friendly hai ab table mein aapko kya karna hai table ke upar dekhiye dekh lijiye isme types of fuel hai solid fuel liquid and gas hai solid mein aap जैसे एक करके दिखाया गया कोल हो गया लिक्विड में कैरोसिन डाला और गैसेस में क्या करना है जो वैसा इसमें एलपीजी को सीएनजी में लगा रहा है इसके साथ साथ आप सॉल्वेंट में और भी कुछ चीजें डाल सकते हो लाइक जो भी हम है इसको आप जानते हैं है ना कोल है इसके साथ और भी सॉलिड फ्यूल्स हैं कैरोसिन है पेट्रोल डाल सकते हैं डीजल डाल सकते हैं है ना ऐसे आप स्टेबल को कर अभी आप जानेंगे अब हम मैच के बाद नेक्स्ट है अपना सीएनजी यानी फूल फूल की सेंसेस से मतलब ये है कि कितना हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना कितने कैलोरी हमको एनर्जी देते हैं ये हमने कहा सपोज यू वेयर आस्क टू बॉइल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग लाउडन कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल आपसे कहा जाए कि आप वाटर को बॉइल करके इसका आप फ्यूल में क्या लेना है आप लाउडन ले सकते हैं कोल का यूज करके या एलपीजी गैस का यूज करके ठीक है which fuel would you prefer to answer prefer to give you reason okay aapko reason ka batana hai
तो आप जनरली आप एलपीजी गैस यूज करेंगे क्योंकि आप इसमें अवेलेबल है घर में, है ना, इसका यूज करेंगे वही जो फ्रेंडली भी है ना, कोई कोई भी आप लेते हो सबसे ज्यादा हीट जो आपको देगा वो भी आपको एलपीजी ही देगा ना, कोई में भी आप करेंगे उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा और बहुत सारे कार्बन 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 डाइऑक्साइड गैस एयर पॉल्यूशन करेगा, सेम एज क्लाउड में भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और साथ में ही ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ना और साथ में कार्बन कार्बन पार्टिकल्स करेंगे जो कि एयर पॉल्यूशन करते हैं। सबसे ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो एलपीजी है ना, जो कि इको फ्रेंडली भी है और आपका कार्बन भी बहुत जल्दी और कॉइल हो जाएगा इसलिए आप इसे बोलोगे। ओके, तो विच यू इको लास्टर आपने मुझे नहीं बता दिया, you may take the help of your parents. Okay, do these three fuels produce the same amount of heat? Na aapko sabse zyada the maximum amount of heat milegi wo aapko input gas milegi. Okay, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called, na isko aap ko maan lijiyega break karna wo amount of heat energy hai produce on complete combustion, combustion means burning, उन्हें में 1 kilogram कोई भी आपको फ्यूल दिया है जिसका जो अमाउंट है दैट इज 1 kg है ना, उसको बर्न होने में जितनी एनर्जी क्या करता है प्रोड्यूस करता है जितना वो हीट देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, एक यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है और वो यूनिट क्या है इसी को बोलते हैं किलो जूल पर केजी, जो हमारा फ्यूल है वो केजी में है, 1 kg है और वो हीट प्रोड्यूस करेगा उसी को लेकर के हम बनाए हैं किलो जूल पर केजी, है ना, ये एनर्जी का यूनिट है जूल। ओके, किलो जूल पर केजी ना, इसको सिंपल फॉर्म में आप ऐसे लिख देंगे किलो जूल पर केजी, ये एक 1 kg में कितने जूल हीट या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये इसको बोलता है। कैलोरी वैल्यू ऑफ सम फ्यूल चार्जर मैंने टेबल 6.1 में दिया गया है, आप देख सकते हैं टेबल में, है ना, इसमें जैसे काउ डंग दिए गए वो आपको कितना देगा, कितना एनर्जी देता है, कितना एनर्जी देगा उस हिसाब से 8000 है मुगा कितना देगा तो ये मिलेगी, है ना, इसमें आप देखें सबसे ज्यादा जो आपको एनर्जी मिल रही है किससे मिल रही है, आप मान लें मीथेन है तो 50,000 दे रहा है, ये एलपीजी आपको 55,000 दे रहा है, बायोगैस, ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको मिल रही है वो हाइड्रोजन मिल रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का वो है क्या बोलते हैं रिडक्शन ना, या उसको बोलते हैं फिजन, कहाँ होता है संघ होता है ना और यूरियम होता है, इससे सीरीज में बहुत ज्यादा सेंट्रल एनर्जी का स्रोत है ये ही ना, वो क्या है ग्रेविटेशन होगा वहां पर, क्या होगा ब्रेक डाउन इसका और हाइड्रोजन का, वो पानी वहां पर फंसा चलता रहता है और ये एनर्जी बनती है और लार्ज अमाउंट की प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यहां पर तो सबसे ज्यादा आपको कौन दे रहा है हाइड्रोजन गैस दे रही है आपको, आप देखा जाए यदि हम हीट की बात करें एनर्जी की बात करें सेकंड नंबर में आपका है एलपीजी, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया जिससे आपको एफपी वैल्यू ऑफ डिफरेंट दिए गए, अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यदि हम जब किसी फ्यूल को क्या बर्निंग करते हैं तो लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट या गैसेस भी बनती है ना जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, इसी को हम देख सकते हैं
तो आप देखें यहाँ पर द इंक्रीजिंग फ्यूज कंजक्शन, कंजक्शन मीन होता है इंक्रीजिंग फ्यूज कंजक्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट. यदि आप मैक्सिमम अमाउंट में फ्यूज यूज कर रहे हैं, चाहे वो व्हीकल में हो ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है ना, गैसोलीन है, ओके, या आप जैसे वुड है, ये सब यूज कर रहे हैं, तो इन सब का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है. वैसा डायरेक्टली वो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट में. जैसे सपोज दैट कार्बन है, कार्बन ही है लाइक इससे बनता है कार्बन कर देगी और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी है. ठीक है,
तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको भी आप समझते हैं. ग्लोबल वार्मिंग द राइज इन द टेंपरेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ना, एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर का अचानक से बढ़ जाना ना ऑफ द अर्थ. दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर. इसकी वजह से क्या होता है हमें यहाँ पर भी समझ में आता है टेंपरेचर बढ़ने से क्या नुकसान. लेकिन जहाँ पर भी एक एटमॉस्फेयर सभी जगह है और एक जगह टेंपरेचर बढ़ेगा तो सभी जगह बढ़ेगा. क्योंकि आजकल इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल यूज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. तो जहाँ पर फोटो रिजन है जहाँ पर आइस रहती है तो क्या होता है वो मेल्ट होने लगती है ना. मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल. इसकी वजह से जो पोलर रिजन में आइस वो मेल्ट होती है इसकी वजह से आज पर सी है वहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है राइट बढ़ने लगता है और उसकी वजह से वहाँ पर उस एरिया में वहाँ पर फ्लड आ जाती है. फ्लड इन द कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज है वहाँ पर फ्लड आ जाती है. लो लाइंग कोस्टल एरियाज है मे इवन बी परमानेंटली सबमर्ज. सबमर्ज में होता है पूरा नाम आने में पूरी तरह से डूब जाते हैं अंडर वाटर. क्यों हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर फ्लड होते हैं और सी लेवल सी के वाटर लेवल इंक्रीज होता है फ्लड आ जाते हैं लो लाइंग एरिया है कोस्टल एरिया से वाटर में डूब जाते हैं. ठीक है अब है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल. सपोज दैट कोल एंड डीजल है ना तो बर्निंग इसमें क्या होता है रिलीजेस उनकी बर्निंग होती है. ये क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं SO2 बनाते हैं. इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस है. सफोकेटिंग सफोकेशन होता है हमें हम प्रॉपर बर्निंग नहीं कर पाते. कोरोसिव कोरोजन भी करती है रस्टिंग करती है. Moreover, petrol engines give off gaseous oxides of nitrogen. जितने भी petrol engine होते हैं जो कि petrol से चलते हैं वो nitrogen oxide देते हैं. Okay, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater. देखिए तो जो sulfur dioxide है nitrogen oxide हो गया ये हमारे atmosphere में रहता है और जब rainfall होती है तो ये इसके साथ में mix हो जाते हैं और acid और rain कैसे बनाते हैं acidic rain बनाते हैं. ठीक है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप क्योंकि एसिडिक रेन है एंड रेन में एसिड है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए बिल्डिंग्स के लिए एंड सॉइल के लिए. ओके यू हैव ऑलरेडी आप भी पढ़ चुके हैं क्लास 7 में द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी. हमें जितना हो सके पेट्रोल और डीजल को कम करना चाहिए इसकी जगह पे सीएनजी कंप्रेस्ड गैस को गैस में मिक्स करना चाहिए. नुकसान नहीं पहुंचाता है इसलिए हमें पेट्रोल और डीजल की जगह सी एन जी यूज करना चाहिए. इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख कर आएंगे कल हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके अदरवाइज आपका जो यूनिट सेकंड का सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है कल हम उससे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आप हम देख कर आएंगे. ठीक है यहाँ इस चैप्टर से आपका जो सिलेबस है यूनिट का 4, 5, 6 सिक्स चैप्टर आज कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. कोई ऐसी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया उसे क्लियर कर लीजिए आप लोग. कुछ ऐसा है क्या मैम? मैम जैसे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोडक्शन कंप्लीट कंबिनेशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू. मैम इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू. हां तो हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज करेगा. हम अमाउंट ले रहे हैं उसका 1 kg
है ना, तो कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा इसे हम कैलोरीफिक वैल्यू में कहते हैं, और एक साइड यूनिट होता है दैट इज किलो जूल, इस एनर्जी को हम किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब पर केजी लगा दिया लेकिन विज्ञान को केजी में लेके चल रहा है अपने अकाउंट, तो ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी, ओके दैट वी आर इसकी वैल्यू जो होती है मैं इसको नापते कैसे, किसके घर से आवाज आ रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना, जिसके घर में शोर हो रहा है वो म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ क्या नहीं पूछो बेटा। मैम ये जो मैम जैसे ये हो गई वैल्यू, मैम इसको नापते कौन से थिंग्स से है? उसी तरह से इसके टेम्परेचर को भी मेजरमेंट करने के लिए लार्ज स्केल पैरामीटर वगैरह बनाया जाता है, क्योंकि हमको अब यहाँ पर देखना है कितना टेम्परेचर आप देख रहे हैं, 1,055,000 है ना, 1,55,000 इतना टेम्परेचर हम थर्मामीटर से नहीं कर पाए, इसको मेजरमेंट करने के लिए मुझे पैरामीटर ठीक है चलिए। यस मैम। और यस मैम। मैम एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन यस मैम। हेलो यस मैम। हाँ एसिड रेन मतलब क्या है? देखिए रेन नॉर्मली होती है, लेकिन सारे कॉन्टेंट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ ही जो पेट्रोल है इंजन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फूल होता है ठीक है, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को फूल होती है, ये भी एटमोसफियर में रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सारे भी एटमोसफियर में रहते हैं। जब रेनफॉल होता है तो उसके साथ मिक्स होकर के एसिड रेन बनाते हैं, यानी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना, जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, SO2 बनाती है, और जो NO2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये भी रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है ना। ये दोनों भी एसिड क्या है, ये वाटर फाइल की ओसिडी करते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह होती है जैसे कि आपने आगरा में देखा होगा ताजमहल है, वो आज पेड़ हो गया, कलर है तो पेड़ येलो हो गया, ग्रीन कलर का क्यों हुआ? क्योंकि कोरोजन की वजह से हुआ, कोरोजन क्यों हुआ? किसी एसिड रेन की वजह से हुआ ठीक है। तो ये दैट इज एसिड रेन, समझ में आ गई एसिड रेन कैसे बनती है? यस मैम। ये हमारी स्किन के लिए भी हानिकारक है, कहा जाता है जब पहली बारिश होती है तो उससे हम भीगते मना कर देना घर में, मैम पता कैसे चलता है कि मैम एसी ग्रहण है कि नॉर्मल रहन है? उसको आप टेस्ट कर सकते हैं बेटा, जो नेटवर्क पेपर वगैरह होते हैं ना, वो कि आप सपोर्टर पहली बार हुई आप कलेक्ट किया वाटर को टेस्टिंग कर लीजिए है ना, नेटवर्क पेपर लेकर के कैमरे से रिपीट का बना करके वो टेस्ट करेंगे तो कोई भी एसी का तो इसमें रिजल्ट देगा, एसी का रिजल्ट देगा दैट क्लियर? यस मैम। ओके एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। Okay then bye. Yes ma'am. Yes ma'am. Bye ma'am. Yes ma'am.